तो हसमत पगली प्यार हो जाएगा। मेरे ख्याल कुछ बताओ। हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगा। अगर थोड़ा थोड़ा शेडो में कुछ दिख रहा हो तो मेरे को भी दिख। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आयुष। तो आप सभी लोग मुझे जानते हो। तो जस्ट उठा नहाया हूँ और रैंडम उठ गया हूँ। कैब और कैब मंगाई है, जाएंगे क्या होगा जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो प्लीज देखते रहो ब्लॉग को और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करना मत भूलो दोस्तों, कर दो ना यार प्लीज। तो चलो चलते हैं, कैब आ चुकी है अपनी बाहर। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैब में कौन आने वाला है। तो चलो जल्दी से चल लेते हैं, ठीक है। तो ये खड़ी है अपनी कैब। तो कैब में कौन कौन है देख लेते हैं। कैब में है अपना भाई ऋषभ, ये रोहित और पीछे बैठा है मनोज। तो बैठ भाई चलना है। हाँ बैठ तो सही। पक्का? तो देख लो गाइस ये रही कैब अपनी, ठीक है। अब देख रहे हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। और मैं ये कार की छत पे आज लाइट लगाऊंगा। मैं ये क्या कह रहा है भाई? कह रहा है ये लाइटें हैं। अच्छा, हम ये नेक्सॉन की छत पे लगाएंगे अब, एक इधर और एक इधर, तो पूरा लुक आएगा अब इसमें। अच्छा टीटू तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है? मनोज क्या कह रहा है? हाँ तो भाई इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। हाँ तो आज हम लोग व्लॉग में मॉडिफिकेशन दिखाएंगे। मनोज मनोज हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है सुजुकी में। तो अब सुजुकी की जगह आज ये किसकी? टाटा की रेड पर है। आज टाटा में फुल मॉडिफिकेशन दिखाई देगी। तुम लोग को देखना है छत पे, कभी तुम लोगों ने एलईडी लाइट लगी देखी नहीं, देखी होंगी, ठीक है। आज देखना छत पे लगाएंगे हम घर वाली एलईडी, फोर सीलिंग वाली एलईडी लाइट होती है। फोर सीलिंग वाली। हाँ तो फोर सीलिंग वाली एलईडी लाइट लगाएंगे छत पे। तो हमारा भाई ना इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है टीटू भाई। तो टीटू भाई हमारे सिविल इंजीनियर है। तो क्या है ना कि ये अपने औजार जो है हमेशा साथ लेके चलते है। तो जितने भी मेरे सिविल इंजीनियर भाई है वो सब लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, भाई बोल रहा है कहीं साइट वाइट पे जाना है भाई की, तो देख के आते हैं क्या चल रहा है साइट पे। दो दिन में क्या ब्रो? 2 लाख रुपए खर्च दो दिन में। दो दिन में 2 लाख खर्च? हाँ। चलो तो साइड पे चल के देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। 1 लाख लेके जा रहे हैं। हाँ ब्रो, तो भाई 1 लाख लेके जा रहा है, 1 लाख ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। तो गाइस अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, स्टेफनी चाहिए तो ऐसी लगवा सकते हो। तो कहता है तैयार हो जाए। कहाँ के लिए? 9 मिनट चल रहे हैं, टीटू और मैं आ रहे हैं। तो भाई दोस्तों मनोज को फोन किया रोहित ने और बोला सीधे कि रेडी हो जा, पर ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है ना। तो यार बता दिया करो भाई जाना कहाँ है। अगला आदमी अगर कच्चे में बैठा हो, कच्चे उठ के आ जाओ और तुम उसे ले जाओ। नहीं मुझसे ये। जैसे कि तू आया था। हाँ जैसे कि मैं आया था, मैं भी गया जैसे ही आया था बाहर उठ के, जब मैंने देखा कि मेरी कैब खड़ी हुई है बाहर नेक्सॉन। तो मैं अपनी कैब को देख के, क्योंकि मुझे ना अपनी कैब स्टैंडर्ड लग रही थी। तो मैंने कहा जब कैब इतनी स्टैंडर्ड है तो बंदे भी स्टैंडर्ड होने चाहिए ना। तो मैं कैब को देख के कपड़े बदल के आया। अरे दुबई में तो वहाँ एक रूल आ रहा है कि अगर वहाँ हाईवे पे मतलब स्पीड लिमिट है और उससे कम चलाओगे तो भी चालान, उससे ऊपर चलाई तो भी चालान। वो 20-30 किलोमीटर की वो है सीक्वेंस है भाई। ये रोडों ने बड़ी ऐसे ऐसी मार रखी है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। उससे कभी एक्सीडेंट का बहुत कम चांस है, बहुत कम। क्या तो कोई चला रहा है 20 की स्पीड पे, कोई चला रहा है 80 की, तो कोई चला रहा है 130 पे। अरे वो रूममेट था एक, वो दुबई गया हुआ था, तो बता रहा है कि मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था और 10 मिनट तो तब हुई थी जब पूरा साफ हो गया वहाँ से, गाड़ी वाड़ी सब हटा दी और सब पेशेंट को ले गए। हाँ 10 मिनट हुई था, 10 मिनट भाई वो दुबई था या आगरा है। किसी का एक्सीडेंट होता है गाइस, अगर यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट होता है यूपी में, तो सबसे पहले ना सारे लोग आके अपने थॉट प्रोसेस बताते हैं कि इसकी गाड़ी इधर से आई होगी, इधर से आई होगी, फिर घुसी होगी। कोई बताया कि नहीं इसकी गाड़ी आई होगी और आके अपने आप घुस गई होगी। लाइक सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है पहले, तब तक वो बंदा बड़ा बड़ा तड़प रहा होता है। उसके बाद जब सारे डिसीजन एक निष्कर्ष पे पहुंच जाती है दुनिया, है ना, कि इसका एक्सीडेंट जो है वो इस तरीके से हुआ है, देन उसके बाद सबको याद आता है कि बंदा ये पेशेंट जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक वो निपट लेता है। बहुत ही प्यारी शाम हो रही है, देख रहे होंगे आप लोग कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये लोकेशन है पथौली और यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो ये पथौली की हाट लगती है। हाट बोले तो हाट को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? एक मार्केट। हाँ मार्केट। कौन सी मार्केट? हाँ तो ये एक मार्केट लगता है यहाँ पे, जहाँ पे सब्जी वब्जी मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें मिलती है। जैसे गांव में जितने भी गांव के लोग होंगे, मतलब जो भी गांव के भाई लोग होंगे हमारे, उन सबको पता होगा छोटा मेला हाट वाट टाइप जो बोलते हैं वही लगती है यहाँ।
ये बंदा सिर्फ साइट बोल के लेके आया, लेकिन अभी तक इसने क्लियर करके नहीं दिया कि कौन सी जगह जाना है। ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे लेके जाएगा हमें तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी अनएक्सपेक्टेड जगह होने वाली है वो। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन सी जगह है, क्या है जगह में, क्या नहीं है, देन उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी बदकिस्मती से कहां पहुंच गए। क्यों भाई, मेरी कौन सी पार्टी पेंडिंग चल रही है? टीटू कह रहा था कि राजा ने आईफोन ले लिया। तुम इधर से उधर करते रहे ना। आईफोन की तो ना पार्टी ना दी। हे भगवान। अच्छा ये बताओ भाइयों, जितने भी आईफोन वाले लोग हैं वो कितने पार्टी देते हैं अपने दोस्तों को, मुझे बताओ जरा कमेंट करके। क्या हो गया? अरे पलट जाता भाई ऊपर एयरबैग खुल जाते हुए पार्टी करने चली थी। अच्छा ये बता रोहित ये बता नेक्सॉन की पार्टी मिली हमें? हरामजादा तुम्हें तो मिली है, मुझे तो नहीं मिली। मैं तो रह गया अधूरा। ये कौन सी बात है यार? देखो मेरे को गाड़ी की पार्टी नहीं मिली, मैं फोन की पार्टी क्यों दे दूं? मेरी गाड़ी मेरा घोड़ा जो ना आया वो डैश 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 और क्या भाई। तो अगर तेरे को पार्टी चाहिए तो ठीक है, घर पे खटिया पड़ी है, तू पार्टी ले लियो ठीक है। सेरा कौन ले गो? सेरा टीटू ले लेगा, टीटू की बड़ी है। क्या एक आदमी बैठा था तो वो हाथ जोड़ के पैसे मांग रहा था। अच्छा टेम्पू वाला आता, टेम्पू वाला हाथ में निकालता, उसे हाथ लगा चला जाता, जो करता रह जाता कि भाई मेरे पैसे गए। मेरा भाई यहाँ पे पुण्य का काम करता हुआ, मिस्टर ऋषभ शर्मा पुण्य का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पुण्य का काम? मंदिर की माला है तो ये। अच्छा मंदिर की माला, मुझे लगा साले मछलियों को चारा डालने आए। हरामजादे खरीद, अच्छा काम कर लो। तो व्यू देख लो भाई, रोड पे खड़े हुए हैं, व्यू बहुत ही प्यारा है, शाम हो रही है एकदम बढ़िया। ये छोटा सा नहर नदी टाइप की, तो हसमत पगली प्यार हो जाएगा। पूछ कैसे रहा लोगों से भाई साहब, मार्केट गए वगैरह कौन सी मार्केट? तू बता भी रहे बड़े आराम से, भाई साहब वहां चले वहां चले, वहां से सीधे नंबर जाओ भाई, मिल जाएंगे तुम्हें। तो भाई ये जो बात चल रही है ना, ये किस मार्केट की चल रही है, ये मैं आपको कभी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ जाओ दिल्ली वाले लौंडो, समझ जाओ। क्या कह रहा है भाई? तो मैंने ही हाईलाइट कर दिया है पोर्शन, ठीक है। जितने भी इसके जानने वाले सारे के सारे मार्केट में घूम के आओ, और उसके बाद रोहित के घर पे आके सारे लोगों को बताना कैसा लगा एक्सपीरियंस। भाई ये कट कर दी। अरे यार ऐसी बात कर रहा है मनोज यार, तेरे मम्मी पापा में प्रेम नहीं होता, तू कैसे होता? तो ये भाई की साइट है, तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं देखने क्या सीन है क्या नहीं है, चलो अंदर चल के देख लेते हैं। तो ये अपनी साइट, हमारे टीटू भाई को हमारे टीटू भाई द मजदूर, मजदूर को गोदना और बाप को नहीं सिखाते हैं टीटू। तो ये चल रही है अपने भाई की साइट, ये ऋषभ की साइट चल रही है, और यहाँ पे ऋषभ लगा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करवाना, वो करवा सकते हैं। ये अपना भाई लगा हुआ है, इधर पूरा काम चल रहा है, फुल सीलिंग वगैरह का जो भी है। बाय मिस्टर ऋषभ। अरे पहले का तेरे को तो गाइस मैं बीच में डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा, जो टीटू बोल रहा है कि यहाँ की क्या कंडीशन थी पहले, तो इसके इस क्लिप के बाद मैं डाल दूंगा, देख लेना कि क्या कंडीशन थी और अभी क्या हो गया। और एक बार वापस आएंगे तो ये काम देख लो भाई का, जितने भी लोग अगर काम वाम करवाना चाहते हो घर वगैरह में, तो ये काम देख सकते हो, बहुत ही उमदा काम करवाता है भाई। बहुत महंगा पड़ेगा भाई, तो करा लेना जितने भी लोग कराना चाह रहे हैं। ये भी करवाया तूने? हाँ भाई, पूरा की पूरा। तो ये भी एक हॉल ये बना हुआ है, तो ये बेसिकली एक स्कूल है जिसमें अलग अलग कैबिन्स है। प्रिंसिपल ऑफिस कौन सा होगा, ये वाला? हाँ एसी देख के समझ जाया करो, एसी देख के समझ जाओ। हाँ सबसे ज्यादा कैलिफी ऑफिस का रखा जाएगा, अब यही सबसे एंड में, सबसे बाद में यही कंप्लीट होने वाला है। हाँ भाई, तो हम आ गए हैं अपनी क्लास में, इधर चल रही है पढ़ाई। गाइस पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी बहुत सारे लोगों की, ऐसी सीटों पे हम लोग बैठा करते थे। मनोज सिखा क्या रहे, जाओ मनोज टीचर बन जाओ एक मिनट के लिए। हाँ तुम्हारे मनोज भाई पढ़ाएंगे फिजिक्स, फिजिक्स है नहीं, केमिस्ट्री है।
अरे कमीने जिन जो तुम तो पढ़े नहीं, मैं कह रहा हूँ कमीनो तुम तो पढ़े नहीं, जो पढ़ रहे थे उनका क्वेश्चन तो मत मिटाओ। बेंजीन हाय हेलो लिथी बेरी बी सी एन ओ एफ है आगे वो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जितने भी लोगों ने ऐसे याद किया है ना बताना जरूर, जितने भी लोगों ने ऐसे याद किया है। क्या हो गया भाई, 12th क्लास है, 13th क्लास है भाई, ये 13th क्लास देख लो, मेरी तो जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रही है मुझे 13th क्लास। अबे रूम नंबर 13 है, 11th क्लास है, क्लास 11th है गाइस, रूम नंबर 13 है। रोहित क्या है, हमारे भाई का कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये टीटू ने करवाया है कंप्लीट अभी, अब पता नहीं इसके अंदर क्या बनेगा। नीचे भी ये क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा भाई, क्या बनना है इसमें, हाँ क्लासेस होंगी गाइस, तो ये भी आई थिंक क्लासेस ही होंगी। चलो छत पे चलते हैं एक बार गाइस, छत पे एक चीज दिखाता हूँ मैं, चलो छत पे चल के दिखाता हूँ। वैसे शाम हो रही है तो शायद ना दिखे एक बार को, बट कोशिश करते हैं छत पे दिखाने की, ठीक है। छत पे एक बढ़िया सी चीज है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो क्या। हाँ भाई, तो ये सारा पेंट जो है वो टीटू विटू ने करवाया है, टीटू भाई ने। भाई देख भूत बंगला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है। हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगा, क्योंकि हम लोगों की आंखों पे या तो लाइट पड़ रही है, इस बात का रिफ्लेक्शन है गाइस, कुछ भी हो सकता है, जगह हॉन्टेड सी लग भी रही है जगह। हाँ तो गाइस ये एक हॉन्टेड स्कूल हम लोग विजिट करने आए हैं, तो हाँ तो ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अभी देखो चलते हैं इस स्कूल में क्या है। देखो चारों तरफ खेत ही खेत है, सिर्फ खेतों में बना हुआ है ये स्कूल पूरा का पूरा। भाई मुझे फिर से पीछे कुछ फील हुआ यार, अबे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ यार। तो भाई इन लोग को लग रही है मेरी बात मजाक, और मुझे, मैं कह रहा हूँ मेरे को सच में कुछ ना कुछ फील हो रहा है पीछे हर बार। क्या फील हो रहा है भाई, फील हो रहा है जो तुझे फील नहीं हो रहा। ये स्कूल की बस है खड़ी हुई, ये हमारे स्कूल की बस है। 1 2 3 1 2 3 4 5 buses are there, let's go guys, छत पे चल लें। पूरे भाई सर फड़वाओगे तो गाइस, ये जो पीछे वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा, एकदम क्लियर तो नहीं दिखेगा, ये जो जगह है ना ये पैरा जंपिंग एरिया है ना मनोज। हाँ तो ये पैरा जंपिंग एरिया है, यहाँ पे क्या है ना गाइस कि पैरा जोन है, तो यहाँ पे यार कभी दिन में आऊँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये पूरा येलो दिख रहा होगा आपको पार्ट, ये पैरा जंपिंग जोन है। इसमें क्या है ना कि लोग जो भी एयरफोर्स का ये पैरा जंपिंग जोन है, तो यहाँ पे क्या है ना जो एयरफोर्स वालों की पैरा जंपिंग होती है, तो पूरी ट्रेनिंग जो है वो इस वाले पोर्शन में चलती है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इस वाले पोर्शन में ट्रेनिंग चलती है, और यहाँ पे ना पैरा वेनसडे वाले दिन और वेनसडे और थर्सडे को यहाँ पे जंप करी जाती है पैराशूट से, तो पैराशूट से जंप करते हैं, और जो पबजी वाले लोग हैं वो ड्रॉप समझते होंगे, तो ड्रॉप भी गिरता है यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। चारों तरफ जहाँ तक आप देखोगे सिर्फ हरियाली हरियाली है, ये गांव है, इस गांव का नाम क्या है ब्रो, इस गांव का नाम क्या है, नौ मील जगह का नाम है ये। हाँ तो ये जगह है जिसका नाम है नौ मील्स, इस नौ मील को सुन के मेरे को गाना याद आ गया, 1000 माइल नहीं पूरा नहीं गाना। हाँ तो जल्दी से फ्री हो जाते हैं, टीटू अपनी साइड पे काम देखने आया, जल्दी से फ्री हो जाते हैं फिर चलते हैं अपन, अभी टीटू को साइड का काम देखना था अपने, इसलिए वो साथ लेके आ गया, पूरी विजिट करनी थी उसे बेसिकली, तो जैसे एक बार वो पूरा काम देख लेगा क्या है क्या चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद पहुँचते हैं घर, और घर जाने के बाद मुझे एक छोटे से फंक्शन में जाना है, अगर टाइम मिला तो मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज सॉरी फिर कोई नई वीडियो में मिलेंगे। और ये देख भाई लोग, मुझे ये देख के ना अपने गांव की याद आ गई, अगर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये वो है जिससे क्या काटते हैं, चारा काटते हैं, क्या बोलते हैं मनोज इसको, मशीन बोलते, क्या बोलते पता नहीं, चारा काटने वाली जो मशीन होती है शायद वही है ना ये, है ना। हाँ तो ये चारा काटने वाली मशीन है, अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा तो, और भैंस तो आप लोगों को दिखा, कुटी वुटी पता नहीं क्या वही। हाँ तो गाइस अपन लोग ना अभी चल रहे हैं, अरे बकचोदी मत कर, अबे क्या बकचोदी है ये, हाँ मेरे को भी दिख रहा है गाइस, यहाँ कुछ दिख रहा है, देखो आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा शेडो में कुछ दिख रहा हो तो मेरे को भी दिख रहा है।
हाँ भाई, तो जो अभी आप लोगों ने देखा वो कुछ नहीं था, वो ये बकचोदी थी। ये बकचोदी थी, इधर देखा, इधर देखा, चेहरा देखा, साले भूत बन के डरा रहा लोगों को। हैं तो जितने भी मेरे दोस्त हैं वो कुछ भी ऐसा ना समझे, कुछ भी हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं था, हम सिर्फ बकचोदी कर रहे थे। नहीं भाई, ये स्क्रिप्ट में था पूरा पूरा। हाँ भाई, तो ये स्क्रिप्ट में था, ठीक है। तो बंदे ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट को निभाया, अच्छे से स्क्रिप्ट फॉलो करिए मनोज ने। मनोज, मनोज वेल डन, थैंक यू। भाई की राइसी देख लो। रोहित किसके पैसे गिन रहा है? किसके रोहित? कितने हुए रोहित? भाई भूल गया। खराब बता भाई, 50 में मिला लेता हूँ, गाड़ी आ जाएगी। क्या बोलता है मनोज? पार्टी हो जाएगी? पार्टी नहीं, गाड़ी आ जाएगी, स्प्लेंडर आ जाएगी। तो गाइस ऐसा है, हम सोच रहे हैं कि पूरे पैसे उड़ा दें क्योंकि गाड़ी आ जाएगी इससे, है ना। ये एक स्प्लेंडर का पूरा पूरा मिल रहा है। मनोज क्या कहता है, एक स्प्लेंडर ले लें इससे? स्प्लेंडर पे मर रहा है। तो क्या लेगा बता, इतने से तो भाई, इतने से तो स्प्लेंडर ही आएगी, स्प्लेंडर आ जाएगी, आ जाएगी आराम से, पक्की बात है। तो कर दें फिर, कर दें, चलो केडो बाय बाय। चलो भाई, हम नहीं जानते साथ में कॉलेज। ये कौन बैठा हुआ है अंदर इसके, आके देखते हैं। आप कीमत कैसे भी अंदर आने की? देखो जब आदमी, बहुत मेहनत करता है ना तो ऐसी हालत हो जाती है। पैसा होता है, पैसा होता है, कुछ नहीं बचता। तेरे बच्चा हुआ है, हम पे पैसा नहीं है भाई, पैसा अजीब है। हमारे तो पानी से, गिर जाते हैं। क्या जितना पानी गिराओ उतना बाल गिराओ। कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? वो क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मामा फ्रेंकी का ना केटू, मामा फ्रेंकी को चाल लियो। जब हम छोटे थे तो बचपन में कहीं भी ऐसी फंटियां मिल जाती थी, हम कोशिश करते थे यहाँ से इसको काट के चौकोर करके इसमें पतंग का धागा बांधे, लपेटे गिट्टो गिट्टक। हम ये ढूंढते, हमेशा ये कोशिश करते थे कहीं भी चौकोर लकड़ी मिल जाए। मनोज कितना ढूंढते थे हम लोग रास्ते में चौकोर लकड़ियों को, कहीं चौकोर लकड़ी मिल जाए, क्योंकि उस समय ना चक्री अच्छी नहीं लगती थी, उस समय ऐसे चौकोर चौकोर फंटियां अच्छी लगती थी। ठेकेदार साहब क्या खिलवा रहे हो आज? भाई कैबिन बनाया, कैबिन देख लो, और क्या देखोगे? नहीं हम देखने की बात नहीं, हम खाने की बात कर रहे हैं। पेट में क्या खिलवाओगे? क्यों, मैं क्यों खिलाऊंगा? काम तेरा चल रहा है, पैसा तूने कमाया है। गाइस आप लोगों ने देखा ना अभी कितना पैसा अगले के पास। हाँ भाई, तो शो हो गया खत्म और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। देखते हैं टीटू कुछ खिलाता है या नहीं खिलाता, व्लॉग में डालूंगा दोस्तों, देख लेना इसकी शक्ल, देख लो। जल्दी से पहुंचते हैं और देखते हैं कहीं रुकता है नहीं रुकता, अगर रुका तो व्लॉग वहां का दिखेगा, अगर नहीं रुका तो फिर सीधे घर पहुंचेंगे। छोटी सी टीटू भाई, 5,000 का डलवाना है रोहित भाई, 5,000 का डलना है क्या? पेट्रोल तो एवरेज नहीं है, गाड़ी कितनी भागेगी भैया? यहाँ में मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ। अच्छा पेट्रोल एंड डीजल, हाँ तो जैसे डीजल जल जाता है। हाँ भाई, तो हम आ गए हैं टीटू भाई के साथ द रोलिंग सेंटर पे, तो यहाँ से खिलाने वाले अमन भाई रोल वाले। मजा आ गया भाई पनीर रोल खा के, टीटू ने यहाँ से अमन रोल पे से खिला दिया, बढ़िया। टीटू कौन सी खानी है, गोल वाली क्या? सूजी सूजी वाली खाएगा। हेलो भाई, तू क्या लेगा भाई? बादाम शेक। अच्छा ये लेगा गाइस, दे दो इसको। हाँ मनोज तू क्या ले रहा है? तो भाई मारुति स्टेट की तरफ जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ जरूर रुक के जाए, और मोस्टली जाते ही होंगे। हाँ तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया फालूदा बनाता है भैया, अपना फोटो तो चेहरा दिखा दो, ये चेहरा दिखा लायक नहीं है। भाई के पास आना और खा के जरूर जाना, ठीक है भाई? बोल दो एक बार चैनल सब्सक्राइब करने को, शेयर, ठीक है भाई? शर्मा रहे, कोई नहीं। हाँ भाई टीटू मजा आ रहा है?
मजा आया, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। हाँ भाई, तो फटाफट खत्म करते हैं इसको। देख लो अंगूर चल रहे हैं दबा के। ये अगला भाई हमारा सेट है। चीटू बोल रहा है, सेफ्टी फर्स्ट। गाइस चीटू बोल रहा है कि मैं अगर मुंह पे लाइट मारूंगा ना तो कहीं हमारे फ्यूचर पे लाइट ना लग जाए। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि सबको सब कुछ हो जाए लेकिन एक आदमी को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ भाई, तो करते हैं वीडियो को यहीं पे फटाफट से एंड, क्योंकि अब जाने वाले हैं घर। और इससे पहले क्योंकि मैं हो गया हूँ बहुत लेट, मम्मी ने जिस टाइम मेरे को बोला था उससे ज्यादा लेट हो गया हूँ। तो अब अगर और ज्यादा लेट हुए ना तो पड़ जाएंगी गाली, और घर जाके मैं आपको गालियाँ दिखा नहीं सकता। तो फटाफट से पहुँचते हैं घर, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो शेयर कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सालो कमेंट नहीं कर रहे हो तुम, कमेंट कर दो यार। सपोर्ट करो भाई को, सपोर्ट कर दो भाई को, भाई भी बोल रहा है आपको, सपोर्ट कर दो। ठीक है, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।